माँ अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है और इस काबिल बनाती है कि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। लेकिन वहीं जब बूढ़ी माँ को संभालने का समय आता है तो कलयुगी बेटे अपना फर्ज नहीं निभाते और उन्हें उनके ही घर से बेघर कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा के वार्ड क्रमांक 10 शंकर मंदिर के पास से सामने आया है, जहां पर एक कलयुगी बेटे और बहू ने अपनी बुजुर्ग माँ को सड़क किनारे रेंगने के लिए मजबूर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीरा बाई विश्वकर्मा की उम्र लगभग 90 वर्ष है। उनके दो बेटे हैं, एक सिवनी मालवा में और एक होशंगाबाद के पास किसी गांव में रहते हैं। बुजुर्ग महिला अपने बड़े बेटे प्रदीप के पास सिवनी मालवा में रह रही थी। आए दिन बेटा शराब के नशे में अपनी माँ के साथ गली गलौच करता था और माँ को धमकी देता था। सोमवार सुबह बेटे ने अपनी माँ को घर से भगा दिया। माँ घर से जैसे तैसे बस स्टैंड पहुँची, जहाँ एक दुकानदार संतोष जोशी ने उन्हें देखा तो उनसे पूछा कि कहाँ जाना है, तो बुजुर्ग महिला ने बताया कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, और महिला रोने लगी, जिस पर उप दुकानदार ने महिला के खाने पीने का प्रबंध किया एवं इसकी जानकारी नगर पालिका CMO को दी ताकि महिला रेन बसेरा में रह सके। परंतु CMO ने बताया कि इतनी बुजुर्ग महिला को रेन बसेरा में रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद महिला होशंगाबाद के पास स्थित अपने गांव जाने के लिए ऑटो संचालकों से गुहार लगाती रही, परंतु किसी ने उसकी एक भी ना सुनी। आपको बता दें कि बुजुर्ग माँ को सड़क किनारे रेंगने के लिए मजबूर कर दिया गया। बुजुर्ग माँ आने जाने वाले लोगों से अपने घर पर आश्रय दिए जाने की गुजारिश कर रही है। दो बेटे होने के बाद भी माँ की यह हालत शर्मसार कर देती है। क्या नाम है तुम्हारा? मीरा भाई। कहाँ रहती हो? उतना ही पैसा मैं लाता हूँ, जहाँ नहीं मिल रहा। अभी सिवनी में कहाँ रहती हो? घर आई है थी। कहाँ है घर? शंकर मंदिर के थे। क्या हुआ अपने लड़के ने क्या किया? भगा दे के जा। भगा दिया? क्या बोला? जा तो ही मैं दारी बैठा हूँ। नाती ने? नाती ने भी? किस बात को लेकर? अरे मैं यहाँ सिवाई बरस आई था लाई थे मैं। दूध ले आ देख चल दिया ये हम तो मान ले तेरे लाड पाल। बहू भी लड़ती है? हाँ। बहू क्या बोलती है? बहू भी लड़ रही भैया तो साथ हूँ को मान मार। तो अब तुम घर नहीं जाना चाहती? मैं नहीं जाऊँ। क्यों नहीं जाओगी? घर क्या हो जाएगा वहाँ? क्या डर है तुमको घर में? एक मोड़ा दारू पी गया था खतरनाक, एक दिन ना बाहर चली गई अस्पताल। क्या नाम है मोड़े का? प्रदीप। तो अब तुम रहोगी कहाँ? उदय जी हम एक दो दिन क्या सोच के आई हो, कहाँ रहोगी अब? गांव चली जाओ। गांव में क्या है? अरे वो गंगाबाद बस नहीं मिली पैसे तुम कहीं। हाँ। मैं तो गंगाबाद से आ रही थी उधर गाँव। होशंगाबाद में है गाँव? उससे पैसा मिल रहा है बिरसा फैंस। कौन सा गाँव है होशंगाबाद? बिरसा फैंस मिल रहा है गोहर गंज में 8,000 रुपया। कितनी पेंशन मिलती है? 6,000। तुमको? 600। 600 पेंशन मिले है तुमको? हाँ वहाँ मिल रहा है। ध्यान देंगे कहाँ मिलती है? गोहरगंज में। गोहरगंज में? अच्छा ये वाला घर सिवनी वाला घर किसका है, तुम्हारा है कि लड़के का है? कहीं को मेरा नहीं है। क्या नाम है आपका? संतोष जोशी। क्या मामला है माता राम जी? ये अम्मा लगभग सुबह 10 बजे की यहाँ पे बस स्टैंड पे आई थी, तो मैं से पूछने लगी कि भैया होशंगाबाद के लिए बस है क्या? तो मैंने कहा अम्मा बस नहीं चल रही है, अभी ये सब महामारी चल रही है इसलिए बस बंद है। तो बोले भैया ऑटो, तो मैंने कहा ऑटो भी नहीं चल रहे हैं, ऑटो भी होशंगाबाद नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा अम्मा कहाँ से आई? तो बोले वार्ड नंबर 10 से आई हूँ, मेरे लड़के का नाम प्रदीप विश्वकर्मा है। वो बोले मेरे को होशंगाबाद जाना है। तो मैंने कहा अम्मा तुम परेशान मत हो। फिर मैंने उनको थोड़ा सा चाट माट खिलवाया, दो बार चाय पिलवाई उनको, और उसके बाद में फिर मैंने बोला, मैंने कहा अम्मा तुम सही बैठो, मैं तुम्हारी कहीं ना कहीं तुम्हारी व्यवस्था शाम तक कर दूंगा। आपने बात की क्या बताई, क्या परेशानी? परेशानी वो बहू मार रही है और उसका बेटा उसको मार रहा है, उसको भगा दिया घर से कि तू यहाँ से जा, तेरा यहाँ कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। कहाँ रहती है माता? वार्ड नंबर 10 में रहती है, शंकर मंदिर मोहल्ले में।
और मैंने उससे बोला, मैंने कहा अम्मा, मैंने कहा फिर तुम्हारे पास आधार कार्ड वगैरह है? बोले हाँ हाँ भैया है। तो मैंने कहा आधार कार्ड है तो मैं तुम्हारे को तुम्हारे रहन बसेरे में तुम्हारी व्यवस्था करा दूंगा रहने की, भाई अपन यही बोल सकते हैं। तो बोले हाँ भैया ठीक है। तो फिर मैंने सीमा साहब को फ़ोन लगाया, तो सीमा साहब से बोला, तो सीमा साहब कहने लगे कि नहीं नहीं वो रहन बसेरे में इस उम्र के लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो उनको उनके घर पहुँचवा देते हैं। फिर वो आप लोगों का नहीं जाना चाह रही है, नहीं घर तो जाना चाह रही, लेकिन वो बहू और बेटे नहीं रहने दे रहे उसको, ये कह रही है वो।